ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई है? ए 1842, बी 1843, सी 1844 या डी 1845। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। नवगछिया के गोसाई गांव में सीताराम अखंड राम धुन शुरू। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा किनारे स्थित गोसाई गांव में श्री राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी मंदिर के अखंड भवन में सीताराम धुन अखंड का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ हुआ। यह 24 घंटा के लिए शुरू हुआ है। वहीं बताते चलें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन के बाद यह आयोजन किया जाता है। मौके पर विकास यादव, योगी यादव, भुवन मिश्र, भोला भगत, बाटुल यादव, बबली झा, संजय झा, भोला झा, दिलीप सर, मास्टर साहब सहित दर्जनों उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित ग्रामीण ने कहा कि गोसाई गांव में अभी तक का इतिहास रहा है कि यहां 3 बार पूरे वर्ष 365 दिन तक अखंड रामधुन हुआ है, जिसमें रात्रि के समय पुरुष का दल व दिन में महिलाओं का दल रहता था। बाढ़ और NHSC के मुद्दे पर जिलाधिकारी के साथ सांसद अजय मंडल ने की बैठक। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए समीक्षा भवन में सांसद अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित अन्य अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान बाढ़ में जिला प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारी सहित अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी कड़ी में सांसद अजय कुमार मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से बाढ़ की तैयारी और भी पुख्ता करने, पीड़ितों को अविलंब राहत सामग्री सहित अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध करवाने की बात कही है। सांसद ने आइसोलेशन वार्ड में भी व्यवस्था को दुरुस्त करने और जांच में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी से आग्रह किया है। इसके साथ ही सांसद ने NHSC की दयनीय स्थिति को लेकर अधिकारी के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि NHSC की इस दुर्दशा से वह शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बैठक के उपरांत सांसद ने मीडियाकर्मी से बात करते हुए कहा कि बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को खाद्य सामग्री और अन्य प्रकार की मदद मिलेगी। बैठक जो किया गया, जिन दिशा में जो योजना आता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण था, खाद आपूर्ति था, हमारा रोड का व्यवस्था था, जो अनेक व्यवस्था है, सभी व्यवस्था पर बात किया गया इस बैठक में। क्या लक्ष्य के अनुरूप है? लक्ष्य के अनुरूप तो है, कुछ तो कमी है तो उन्हीं को तो पूरा करने के लिए विजिट किया गया ना। सर, ये पूरे लॉकडाउन में आप दिखाई नहीं पड़े, आप गलत सोच रहे हैं। लॉकडाउन में दिखाई नहीं देने का ही एक रूप दिया गया था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है। आप हम अपने जगह पर हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसी कहीं बात नहीं इसमें, क्योंकि हम बहुत नॉर्मली देख करके नहीं घूमना है, इसलिए नहीं घूम रहे हैं। मौन के चलिए। समाज सेवी संगठन ने MP MLA से ज़्यादा काम किया गरीबों तक राशन मुहैया। समाज सेवी संगठन तो उनका नाम ही समाज सेवी संगठन, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनको करना ही है वो, इसलिए उनके दिल में मैं किसी कारणवश भी नहीं घूमा। मैं शुगर से पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ करके चल रहा है, इसीलिए मैं बहुत कम लोगों से प्रिकॉशन डिस्टेंसिंग बना करके घूम रहा हूँ। सर, बाढ़ के लिए क्या जायजा लिया जा रहा है आपके द्वारा? बाढ़ के लिए क्या तैयारी की? बाढ़ की जायजा के लिए जहाँ बाढ़ में जो वहाँ जो उनका सामूहिक भोजन की व्यवस्था है उन सब कराया जा रहा है। उनका बिहार में चुनाव होना है क्या? देखिए, बिहार में चुनाव होना तो है, हमारे आला कमान अच्छी से चुनाव आयोग के न्यूज से पता लग रहा है, होना है।
अच्छा ये श्याम रजक पार्टी छोड़कर गए, इस पर आपकी क्या? हम मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये क्या लगता है पार्टी में कुछ? जी नहीं, मैं एनडीए में दरार लग रहा दिखाई, कहीं कोई दरार नहीं एनडीए में, और भाजपा भी अलग, कहीं कोई अलग रहे, एनडीए में दरार नहीं है, लोजपा अलग नहीं है, आप लोग भ्रम में हैं, इस भ्रम को आप लोग तोड़ दीजिए। सर आपको बहुत लोग खोजते रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्यों दिखा? अरे बिसारी पूजा को लेकर भागलपुर जोन के डीआईजी सुजीत कुमार नाथनगर थाना पहुंचे और जिले के एसएसपी, सीटीएसपी, सीटीडीएसपी, नाथनगर इंस्पेक्टर सहित के साथ बिसारी पूजा को लेकर समीक्षा बैठक किया। वहीं डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि जिले में बिसारी पूजा को लेकर पुलिस टीम भ्रमणशील है और कोविड-19 को लेकर बिहार सरकार के नियमों को पालन कराने के लिए सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि पूजा पंडाल में भीड़ भाड़ नहीं लगे और सबों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए अपील किया गया है। वहीं नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी कही है। मुख्यतः नाथनगर एक मुख्य बिंदु है जहाँ पे पूजा हर एक वर्ष होते रही है। इस वर्ष कोविड के कारण पूजा तो नहीं, पूजा में जो भीड़ भाड़ और पूजा में मूर्ति वगैरह का कार्यक्रम होता है वो नहीं हो रहा है, तो इन सभी तैयारियों को देखने के लिए हम सब लोग यहाँ पर थे और अभी भ्रमण भी काफ़ी पुलिस का सभी जगहों पे हुआ है। और सब लोगों से यही अपील है कि कोविड के जो भी दिशा निर्देश सरकार के हैं, भारत सरकार के, बिहार सरकार के, उसका पूर्णतः पालन करें। पुलिस बहुत सख्ती से इस पर निपट रही है। नैहर पहुंची बिहुला, स्वागत में जुटे नौगछिया वासी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 17 अगस्त को सती बिहुला अपने मायके पहुंच गई है। कोरोना काल, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच भी बिहुला के स्वागत में नौगछिया के लोग कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बार बिहुला के नौगछिया पहुंचने पर कोई धूम धड़ाका तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं आई है। नौगछिया के दो मंदिरों में डॉक्टर राणा वाली गली में माता बिसारी की पांचों बहनों के साथ बिहुला को ससम्मान के साथ सिंहासन पर बैठाया गया और वैदिक विधि विधान से पूजा की गई। विधिवत पूजा संपन्न होते ही नौगछिया वासियों ने हरिया पट्टी स्थित मंदिर और डॉक्टर राणा वाली गली में हो रहे पूजन समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक कर दर्शन किया और पूजा पाठ भी की। हर वर्ष भक्ति जागरण का प्रोग्राम हर्षोल्लास के साथ किया जाता था, लेकिन इस बार भक्ति जागरण का प्रोग्राम ऑनलाइन किया गया। पूजा स्थलों पर गंगा जल का मिलावट कर सैनिटाइजर तैयार किया गया है, जिसे हर भक्तों के हाथों में डालकर पूजा करने की अनुमति दी जा रही है। मालूम हो कि बिहुला बिसारी लोक साहित्य में बिहुला का मायका नौगछिया के उजानी गांव में बताया गया है। इसी कारण वर्षों से लोगों की मान्यता है कि 17 अगस्त को सती बिहुला का नौगछिया आगमन होता है और यहाँ पर उन्हें उसी तरह का सम्मान मिलता है जैसे जब कोई बेटी अपने ससुराल से मायके आती है। नौगछिया के क्लीन नौगछिया ग्रीन नौगछिया के अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह ने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में नौगछिया में बिहुला बिसहरी में एक अलग तरह का स्नेह और वात्सल्य देखने को मिलता है। समाज सेवी पंकज कुमार भारती ने कहा कि नौगछिया में बिहुला को लोगों ने दिल में तो जगह दी ही है, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण बिहुला आज भी उपेक्षित है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण कुमार भगत ने कहा कि बिहुला के जन्म स्थान का जीर्णोद्धार कर उन्हें पर्यटन स्थल बनाए जाने की आवश्यकता है। इधर ठाकुरवाड़ी रोड में स्थित बिहुला विसहरी में मुख्य यजमान के रूप में मुकेश राणा और पार्षद चंपा कुमारी थे। पंडित शैलेश झा पूजा करा रहे थे। मौके पर विमल किशोर पोद्दार, आयोजन कमेटी के सक्रिय अजय कुशवाहा सहित कई अन्य की भागीदारी देखी गई। डॉक्टर मनीषा लाहेड़ी के निधन पर शोक सभा का आयोजन। नौगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मनीषा लाहेड़ी के आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कुमारी सुदामा यादव ने किया। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने डॉक्टर मनीषा लाहेड़ी द्वारा महाविद्यालय में दिए गए अमूल्य योगदान का स्मरण किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वहीं मौके पर प्रोफेसर बिंदेश्वरी मंडल, डॉक्टर मनिंद्र कुमार सिंह, अशोक कुमार मंडल, डॉक्टर दयानंद यादव, डॉक्टर सिकंदर चौधरी, प्रोफेसर अनिल कुमार मंडल, प्रोफेसर प्रवीण कुमार, डॉक्टर प्रेम शिला शरण सहित कई अन्य उपस्थित थे। महाविद्यालय हम सभी को कभी भूल नहीं सकते।
उनका पैसे कृपया ध्यान दें, अब एक मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488568698923462333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCOM BSc पॉलिटेक्निक BTEC BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9796-80 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से नौगछिया में बाढ़ की स्थिति भयावह। गंगा नदी के जलस्तर में एकाएक तीव्र गति से वृद्धि आरंभ हो जाने के बाद अनुमंडल के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही नौगछिया में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में गंगा नदी 31.88 मीटर पर बह रही है, जो कि खतरे के निशान 31.60 मीटर से 28 सेंटीमीटर ऊपर है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद इस्माइलपुर पिंटोली के बीच स्परों पर गंगा नदी का दबाव काफी बढ़ गया है। जेम्स फाइटर बने बिहार ताइक्वांडो आयोजन समिति का संयोजक। बिहार भाजपा खेल प्रकोष्ठ के द्वारा बिहार ताइक्वांडो आयोजन समिति का संयोजक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी फाइटर जेम्स को बनाया गया है। आयोजन समिति का संयोजक बनने पर जेम्स फाइटर ने बताया कि खिलाड़ियों के हक के लिए जो कदम होगा वो खिलाड़ियों के हितों में किया जाएगा। संयोजक बनने पर बिहार भाजपा खेल प्रकोष्ठ के संयोजक सतीश कुमार श्रीवास्तव, सह संयोजक वीरेंद्र कुमार सिंह, नवगछिया भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, पूर्व विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, खेल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजीव रंजन, जिला परिषद सदस्य, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सुबोध सिंह कुशवाहा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कुमकुम देवी, सबाना आजमी, नंदनी सरकार, गगन चौधरी आदि अन्य ने शुभकामनाएं दी है। नवगछिया SP ने पुलिस जिले के चालक सिपाही का किया तबादला। नवगछिया SP स्वप्नाजी मिश्राम ने पुलिस जिले नवगछिया के थाना एवं पुलिस लाइन में प्रतिनियुक्त 27 चालक सिपाही अनुबंध चालक एवं गृह रक्षक चालक का तबादला किया है। सभी चालक सिपाही के प्रतिनियुक्त होने के 6 माह की अवधि पूर्ण होने के साथ ही SP ने तबादले के आदेश निर्गत किया है। उन्होंने विधि व्यवस्था के मद्देनजर सभी थानाध्यक्ष को तत्काल नए स्थान पर प्रतिनियुक्त कराने का आदेश दिया है। राजद प्रवक्ता पर जानलेवा हमले के मामले में प्राथमिकी दर्ज, राजद ने घटना की निंदा, अपराधी की गिरफ्तारी की मांग। राजद प्रवक्ता विश्वास झा पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले में रंगरा ओपी में मामले की प्राथमिकी विश्वास झा के द्वारा दिए गए आवेदन पर दर्ज कर ली गई है, जिसमें अखिलेश पोद्दार सहित 4-5 अज्ञात को नामजद किया गया है। रंगरा ओपी प्रभारी राजेश राम ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। राजद प्रवक्ता पर हुए हमले को लेकर राजद की आपात बैठक जिलाध्यक्ष अलक निरंजन पासवान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विश्वास झा पर हुए हमले की निंदा की गई। बैठक के बाद राजद के शिष्टमंडल रंगरा पुलिस से पूरे मामले की जानकारी ली एवं प्रवक्ता पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मौके पर जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, उपाध्यक्ष रामविलास सिंह, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहिद्दीन, महिला जिलाध्यक्ष अभिलाषा कुमारी, आपदा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक यादव, जिला कोषाध्यक्ष मनोज यादव, पूर्व सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, जिला महासचिव विभूति भूषण सहित कई दर्जन राजद के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कटरिया ओवर ब्रिज के पास मिले अज्ञात शव की हुई शिनाख्त। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के कटरिया ओवर ब्रिज के पास मिले अज्ञात शव का शिनाख्त कर लिया गया है। मृतक खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी स्वर्गीय राम प्रकाश मंडल का पुत्र निर्दोष कुमार मंडल है। शव मिलने के बाद पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल किए जाने के बाद परिजन ने
रंगरा थाना आकर सबकी शिनाख्त निर्दोष कुमार मंडल के रूप में की है। पुलिस से जानकारी मिली है कि निर्दोष 15 अगस्त को अपने ससुराल रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के सधुआ गांव आया था। कहा जा रहा है कि वह शौच करने के लिए कटरिया ओवरब्रिज के पास गया होगा, वहीं किसी अज्ञात ट्रेन के चपेट में आ जाने से उसकी जान चली गई। रंगरा के थाना अध्यक्ष दरोगा राजेश ने बताया कि सब का शिनाख्त करने वाले परिजन को सब सौंप दिया गया है। इस बाबत रंगरा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। खरीक तुलसीपुर ठाकुरवाड़ी से शीशम की सिल्ली की चोरी। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर राधाकृष्ण ठाकुरवाड़ी से 17 शीशम की सिल्ली की चोरी हो गई है। इस बाबत श्री श्री 108 राधाकृष्ण ठाकुरवाड़ी तुलसीपुर के न्यायधारी सेवायत विजय कुमार झा ने खरीक थाना अध्यक्ष और नौगछिया पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से सूचना दी है, जिसमें आरोप लगाया है कि उनके बड़े भाई जो अपराधी प्रवृत्ति का है और कई संगीन मामले में नामजद रहा है, उनका पुत्र भी सजायाप्त है। आरोप सोमवार को 6 लोगों और मजदूरों के साथ स्कॉर्पियो और पिकअप वैन के साथ आया, ठाकुरवाड़ी के 17 शीशम की सिल्लियों की चोरी कर ली है। वहीं पूछे जाने पर खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि शीशम की बरामदगी के लिए खोजबीन की जा रही है। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA, निशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नौगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नौगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।